आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की। तो सबसे पहले दो टर्म्स ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन, इनको क्लियर कर लेते हैं। तो ब्रीथिंग एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है गैसेस का। तो ब्रीथिंग में अगर हम देखें, ह्यूमंस की अगर हम बात करें, तो यहां पे सिंपली ऑक्सीजन का इंटेक होगा और रिलीज होगी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी एक सिंपल प्रोसेस जिसमें गैसेज एक्सचेंज हो रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की, तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें ब्रीथिंग तो इन्वॉल्व होता ही है, इसके अलावा यहाँ पे फूड का ब्रेकडाउन होगा, और उससे एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। सो ब्रेकडाउन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन रेस्पिरेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। सो दिस इज अ मेजर डिफरेंस कि यहाँ पे सिर्फ गैसेज एक्सचेंज होंगे और यहाँ पे ब्रीथिंग तो इन्वॉल्व होगा ही, इसके अलावा फूड का ब्रेकडाउन होगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। नाउ अगर हम बात करें फूड की, विच इज ग्लूकोज, तो इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब ये जो ब्रेकडाउन है फूड का, यानी कि ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है, ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकता है और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकता है। इसके बेसिस पे हम रेस्पिरेशन को टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो कि होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज विच इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल, इसका ब्रेकडाउन होगा बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस से ग्लूकोज जो है वो ब्रेकडाउन होगा उसका इंटू पायरुवेट। नाउ ये जो प्रोसेस है ये होता है सेल के साइटोप्लाज्म में। पायरुवेट का फॉर्मूला है C3H4O6। तो इससे हम ये भी देख सकते हैं कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हुआ और 3 कार्बन मॉलिक्यूल बन रहा है, यानी एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। ओके, सो जब भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा 2 पायरुवेट बनेंगे, इसके अलावा रिलीज होगी कुछ एनर्जी। नाउ ये जो पायरुवेट है, अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहां पे प्रेजेंट होगा और ये होगा सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। नाउ यहां पे एंड प्रोडक्ट्स होंगे कार्बन डाइऑक्साइड विच इज CO2, इसके अलावा वाटर H2O और साथ ही साथ रिलीज होगी एनर्जी। सो दिस इज द केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर हम बात करें एनएरोबिक रेस्पिरेशन की, जो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, तो इसके हम दो केसेस यहां पे देखेंगे। एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, फर्स्ट हम देख रहे हैं ईस्ट सेल्स में अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, तो इसके बाद फॉर्मेशन होता है इथेनल, यानी कि एंड प्रोडक्ट्स होंगे इथेनल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। इथेनल फॉर्मूला इज C2H5OH, जो कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, तो यहां पे पायरुवेट से बनेगा एक 2 कार्बन मॉलिक्यूल इथेनल। इथेनल अगर हम देखें तो अल्कोहल का जो प्रोडक्शन होता है वो भी इसी प्रोसेस से होता है, फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है वहां पे भी ईस्ट होता है और ईस्ट सेल्स एनएरोबिक रेस्पिरेशन करके अल्कोहल का प्रोडक्शन करती हैं। इसके अलावा थर्ड केस हम देखेंगे ह्यूमन बॉडी में मसल सेल्स के अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा यहाँ पे भी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये हो रहा है मसल सेल्स में। तो यहां पे जो एंड प्रोडक्ट्स हैं वो होंगे मसल सेल के अंदर लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। तो मसल सेल्स में देखो, जब हम बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो कुछ मसल्स तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, उस टाइम पर वो जो मसल सेल्स हैं वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेंगी और वहां पे फॉर्मेशन हो जाएगा लैक्टिक एसिड का, जिसके बाद हमें क्रैम्प्स फील होते हैं और इन क्रैम्प्स का सॉल्यूशन होता है कि हम एक हॉट वाटर बाथ ले लें। उससे क्या होगा कि वापस से ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, जिससे ज्यादा ऑक्सीजन उस एरिया में पहुंचेगा और एनएरोबिक रेस्पिरेशन रिवर्स होकर वापस से वहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा और फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा। तो ये जो लैक्टिक एसिड है इसका फॉर्मूला होता है C3H6O3, विच इज अगेन अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। तो मसल सेल में जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है उससे 3 कार्बन मॉलिक्यूल बन रहा है विच इज लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड की वजह से ही हमारी मसल्स में क्रैम्प्स होते हैं। नाउ ये जो 3 टाइप्स हमने पढ़े यहाँ पे,
फर्स्ट जब माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है सेल के एरोबिक रेस्पिरेशन, सेकंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन की जो दोनों केसेस हमने देखे हैं, यहां पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है एंड में तीनों प्रोसेसेस में, लेकिन जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें ज्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन होता है और जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें लेस एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। ये जो एनर्जी है हम यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, तो ये एनर्जी हम यूज करेंगे, ये क्या करेगी एनर्जी, एडीपी मॉलिक्यूल विच इज एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, ये ऐड होगा एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप के साथ, तो ये है डाइफॉस्फेट, व्हेन इट इज एडिंग विद अ फॉस्फेट ग्रुप तो ये बना देगा ट्राइफॉस्फेट, तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा एटीपी का। ये जो एनर्जी है हम यूज करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, और एटीपी है हमारी सेल की एनर्जी करेंसी, इसी एटीपी को हम सारे फंक्शंस में यूज करते हैं, जैसे मसल कॉन्ट्रेक्शन हो या प्रोटीन सिंथेसिस हो, ट्रांसमिशन हो किसी भी इम्पल्सिस का न्यूरॉन्स के थ्रू, सब में हम इस एटीपी को यूज करते हैं। इट इज द एनर्जी करेंसी जिसका फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। एरोबिक रेस्पिरेशन में अगर हम देखें तो यहां पे 38 एटीपी का एनर्जी बनता है, जबकि हम अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो यहां पे कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है विच इज 2 एटीपी। सेम हियर 2 एटीपी एनर्जी विल बी प्रोड्यूस्ड। अब हम क्लियर कट डिफरेंसेस देखेंगे एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। तो फर्स्ट डिफरेंस है एरोबिक और एनएरोबिक में, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सेकेंड डिफरेंस देखेंगे एंड प्रोडक्ट्स के बेसिस पे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट्स हैं दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड प्लस एनर्जी इज गेटिंग रिलीज्ड, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट्स हैं अगर ईस्ट सेल की बात करें तो वहां पे इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, एंड अगर हम मसल सेल की बात करें तो इट विल बी लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। इसके अलावा थर्ड डिफरेंस होगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन में फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। ऑल्सो यहां पे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी एरोबिक रेस्पिरेशन में, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर लेस एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। सो ये हमने बात कर ली दोनों टाइप्स के रेस्पिरेशन की। सेकेंड हम देखेंगे प्लांट्स के अंदर जब रेस्पिरेशन होता है, तो देखो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जो कि डे टाइम में होता है, बट ये हो गया फोटोसिंथेसिस की बात, यानी कि द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स आर मेकिंग देयर फूड। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो प्लांट्स भी रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेते हैं हमारी तरह और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं, डे और नाइट दोनों टाइम पर रेस्पिरेशन होता है लेकिन फोटोसिंथेसिस सिर्फ डे टाइम पर होता है। तो प्लांट्स में अगर हम देखें रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का इंटेक होगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, लेकिन अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की तो फोटोसिंथेसिस में यानी कि डे टाइम में दोनों प्रोसेसेस हो रहे हैं, यहां पे क्या होगा फोटोसिंथेसिस में CO2 का इंटेक होगा और साथ ही साथ रिलीज होगा ऑक्सीजन का फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। सो डे टाइम में क्या हो रहा है कि जब ये कार्बन डाइऑक्साइड ये जो ऑक्सीजन है यही प्लांट यूज कर लेते हैं फॉर द रेस्पिरेशन और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही स्मॉल अमाउंट में ये रिलीज करते हैं। नाइट टाइम में ये क्या करते हैं कि जो प्रोसेस हम कर रहे हैं वही प्रोसेस ये प्लांट्स भी परफॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए हमें नाइट टाइम में बोला जाता है कि हमें ट्रीज के नीचे नहीं सोना चाहिए। वाई? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, प्लांट भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, आप भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हो, ऑक्सीजन की वहां पे डेफिशिएंसी हो जाएगी जिसकी वजह से ब्रीथिंग इश्यूज होंगे। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट प्लांट्स। और हम अगर बात करें एक्वेटिक एनिमल्स की तो एक्वेटिक एनिमल्स वॉटर में से जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको यूज करते हैं। अगर हम एयर की बात करें तो एयर में 21% ऑक्सीजन है लेकिन वॉटर में डिजॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन कम है, इसीलिए जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं फिशेस उनको उनका जो ब्रीथिंग रेट होता है वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है हमारे कंपैरेटिवली, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन लेने के लिए बार बार वाटर का इंटेक करना पड़ता है। इसके अलावा उनकी बॉडी में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं फॉर रेस्पिरेशन दे आर गिल्स, तो वो माउथ से वाटर का इंटेक करती है, वो वाटर गिल्स में जाता है, वहां से वो ऑक्सीजन लेंगे और वो पूरे ब्लड में ऑक्सीजन यूज हो जाएगा एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो भी गिल्स से रिलीज होगा और बॉडी के बाहर चला जाएगा। अब हम बात करेंगे ह्यूमंस के रेस्पिरेटरी ऑर्गन की यानी कि लंग्स की।
सो दिस इज द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें अगर हम देखें तो एयर सबसे पहले एंटर करती है नोज के थ्रू, नोस्ट्रिल्स से। नोस्ट्रिल्स के अंदर होते हैं हेयर और म्यूकस, जिसका फंक्शन होता है जो भी एयर हम इंटेक कर रहे हैं उसके साथ जितनी भी इम्प्योरिटीज आ रही हैं उनको ट्रैप करना। माउथ में अगर हम देखें तो ऐसे कोई स्ट्रक्चर्स नहीं है हेयर जैसे जो उन इम्प्योरिटीज को ट्रैप कर सके, इसीलिए हमें एडवाइस किया जाता है कि हमें नोज से ब्रीथ इन करना चाहिए। इसके बाद ये जो एयर है ये जाएगी नेजल पैसेज में, और वी कैन से नेजल कैविटी। इसके बाद देखो यहां पे है फेरिंग्स। फेरिंग्स एक कॉमन ओपनिंग है फूड और विंड दोनों के लिए। यहां से माउथ से फूड आया और विंड आई यहां से, तो दोनों यहां पर सेम रहेंगे। एक फेरिंग्स वाले एरिया में फूड और विंड दोनों मिक्स रहते हैं। लेकिन इसके बाद ये बैक साइड पर होता है ईसोफेगस, और वी कैन से फूड पाइप, फूड यहां पे चला जाएगा और जो भी विंड है वो आगे विंड पाइप में चली जाएगी। सो दिस इज ट्रेकिया, ट्रेकिया जिसको हम बोलते हैं विंड पाइप। ट्रेकिया के ऊपर अगर हम देखें तो कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर द रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो कि ट्रेकिया को हेल्प करती है कॉलेप्स ना होने देने में। अगर कोई भी एयर एंटर नहीं कर रही है बॉडी में तो जो ट्रेकिया है जिससे वो कॉलेप्स ना हो जाए उसके लिए यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। इसके अलावा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है विच इज लैरिंग्स। लैरिंग्स को बोलते हैं वॉइस बॉक्स। इस वॉइस बॉक्स से ही एयर आती है और वो ट्रेकिया के अंदर जाती है। इसका कोई इन्वॉल्वमेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं है, बट एयर पास होकर ट्रेकिया में आ रही है लैरिंग्स के थ्रू। नाउ ट्रेकिया डिवाइड करता है इनटू ब्रोंकियाई। दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं ब्रोंकियाई। सिंगुलर की अगर हम फॉर्म की बात करें तो ब्रोंकस हम इसे बोल देते हैं। दीज आर टू ब्रोंकियाई। ब्रोंकियाई के बाद ये आगे फर्दर दोनों लंग्स में और ट्यूब्स में डिवाइड होता है जिन्हें हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स एंड होते हैं इंटू एल्वियोलाई और वी कैन से एयर सैक्स, जहां से एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ एयर होता है। तो होगा क्या, नोज से एयर एंटर करी, नेजल पैसेज में गई, इसके बाद एंटर करेगी ट्रेकिया में, ट्रेकिया से ब्रोंकियाई एंड देन ब्रोंकियोल्स, और उसके बाद एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई से एक्सचेंज होगा गैसेस का। दिस इज डायफ्राम। एक शीट है मसल्स की जो कि रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होती है। कैसे, देखो ये जो डायफ्राम है ये दो कैविटीज को डिवाइड करती है। ऊपर वाली कैविटी जिसमें लंग्स लोकेटेड है वो जिसे हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, और इस डायफ्राम के जस्ट नीचे जो कैविटी होती है उसे हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। तो हमारे जो लंग्स हैं वो थोरेसिक कैविटी में लोकेटेड है। ऑल्सो हमारे जो लंग्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं क्योंकि इनके ऊपर प्रेजेंट होती है रिब केज। दोनों तरफ हमारे दोनों लंग्स के ऊपर रिब केज होते हैं जिससे कोई भी मैकेनिकल इंजरी हो उससे डायरेक्टली हमारे लंग्स अफेक्ट ना हो, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे ये जो एल्वियोलाई है जहां पे एक्चुअल गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है ये मिलियंस में प्रेजेंट होती है, यानी मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई सिंगल लंग के अंदर होती है और इनके आसपास होती है बहुत सारी कैपिलरीज। यही कैपिलरी एल्वियोलाई से ऑक्सीजन को लेकर जाएंगी बॉडी में और यही इन्हीं कैपिलरीज के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड आएगा जो कि बाद में बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा। अब यहां पे हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के अंदर हमारी दो चीजें आती है, ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट। सो जब भी हम ब्रीथ इन कर रहे हैं तो जो हमारा रिब केज है, रिब मसल्स है, वो मूव करती है आउटवर्ड एंड अपवर्ड, और जो हमारा डायफ्राम है वो मूव करता है डाउनवर्ड्स, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्पेस चेस्ट कैविटी के अंदर बन सके और ज्यादा एयर हम इनहेल कर पाए। तो यहाँ पे दो स्टेप्स हो रहे हैं, आई एम रिपीटिंग। जब भी हम ब्रीथ इन करेंगे यू कैन इवन फील इट, जो रिब केज है हमारा वो आउटवर्ड और अपवर्ड मूव कर रहा है और डायफ्राम डाउनवर्ड मूव करेगा, ठीक है। इसके अलावा जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो जो हमारा रिब केज है वो इनवर्ड और डाउनवर्ड मूव करता है और जो डायफ्राम है वो अपवर्ड मूव करेगा, जिससे कम स्पेस बचे वहां पे और ज्यादा से ज्यादा गैस जो है वो बॉडी के बाहर निकल जाए, वेस्ट गैस दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की बॉडी के अंदर। तो ऑक्सीजन मेनली ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ अ पिगमेंट हेमोग्लोबिन। तो आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन ही आरबीसीज को रेड कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और 97% जो ऑक्सीजन है
वो इस हेमोग्लोबिन के थ्रू बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, बचा हुआ 3% डिजोल्व फॉर्म में प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड के केस में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा सॉल्यूबल है ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली, तो 7% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ऑल्सो 20-25% ट्रांसपोर्ट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन सिर्फ ऑक्सीजन को ही ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करता है, बट ऑक्सीजन को ज्यादा ट्रांसपोर्ट करेगा 97, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करेगा, ठीक है। इसके अलावा बचा हुआ ऑलमोस्ट 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बायकार्बोनेट्स की फॉर्म में बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है।